अगली कामयाबी भारत को मिले वो कामयाबी थी चांद की सतह पर उत्पत्ति का समातन सत्य। क्या चांद के धरातल का विश्लेषण ब्रह्मांड की अबूझ पहेली को सुलझाने का प्रवेश द्वार है? क्या धरती पर मौजूद जल, जंगल, जमीन, फूल और खुशबू का तार चंद्रमा के इस वीरान संसार से भी जुड़ता है? चांद पर पानी की खोज के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अब चांद पर जमी बर्फ का विश्लेषण करने में जुटा है, चांद की सतह की बनावट को समझने में लगा है। अंतरिक्ष में चंद्रमा धरती का सबसे करीबी पड़ोसी है। पिछले 6 दशकों में इंसानों ने 100 से भी अधिक मून मिशन को अंजाम दिया है। सभी मिशन को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इन मिशन ने चांद को सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला स्थान जरूर बना दिया। बावजूद इसके चंद्रमा हमारे लिए आज भी रहस्य बना हुआ है, क्योंकि उसके दक्षिणी छोर की पूरी सच्चाई से दुनिया अब तक अनजान है। विज्ञान कहता है कि चांद पर मिट्टी है, चांद पर पानी है। सवाल है कि अगर वहाँ मिट्टी भी है और पानी भी है तो जिंदगानी क्यों नहीं? क्या भारत का चंद्रयान भी इस सवाल का जवाब पता करने वाला है? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन हमें चांद का एक ही हिस्सा दिखाई देता है। चांद का दूसरा हिस्सा धरती से दिखाई नहीं देता। इसे चांद की डार्क साइड कहते हैं, जिसे धरती से देखना मुमकिन नहीं है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। चंद्रमा का ये हिस्सा उसका सबसे ठंडा इलाका है, क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँचती है। सूरज की किरण तिरछी पड़ने की वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्सों पर काफी अंधेरा रहता है। यही वजह है कि यहाँ का तापमान भी काफी कम होता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी ध्रुव के कुछ हिस्सों पर सूरज की रोशनी आती है। जहां सूरज का प्रकाश पहुंचता है वहां का तापमान करीब 54 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्सों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती और इस वजह से वहां का तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। नासा के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है। बर्फ के साथ दूसरे कई प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। साल 1998 में नासा ने मून मिशन के तहत ये बताया था कि दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन है। नासा का दावा है कि अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होने की वजह से वहां बर्फ की संभावना है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई बड़े बड़े क्रेटर हैं, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में गड्ढा कहा जाता है। ज्यादातर गड्ढे ऐसे हैं जहां